जी करता है एक सीरीज है अमेजोन प्राइम पर जहाँ पर तमन्या भाटा के साथ छह और लीड एक्टर्स हैं तो चलो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेता है इस सीरीज में सात दोस्त है जो कि बचपन से लेकर एडल्टुड तक साथ में ही होता है ये बॉन्ड इन लोगों के बीच में बहुत सारी चैलेंजेस लाता है वैकेशन से लेकर अबॉर्शन तक वो सब बातें एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं इन सबके इंडिविजुअल इश्यूज है लेकिन अगर किसी को सपोर्ट करने की बात आती है तो इन सातों में से कोई भी पीछे नहीं हटता है मेन कैरेक्टर की बात करते हैं यहाँ पर लवनिया है जो कि यहाँ पर तमन्ना भाटिया प्ले कर रही है इसको शादी वाला आइडिया पसंद नहीं है और इसके भी बहुत सारे प्रॉब्लम और चैलेंजेस है वो इंग्लिश में कहते हैं ना गोइंग विद द फ्लो ऐसा ही है लवनिया के साथ पर किसके लिए गोइंग विद द फ्लो वाला सीन है वो सिर्फ ऋषभ के लिए क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती है ऋषभ का रोल यहाँ पर सोहेल नायर ने किया हुआ है और यहाँ पर वो एक ऐप डेवलपर है अर्जुन नाम का बंदा है यहाँ पर जिसे आशिम गुलाटी निभा रहे हैं और यहाँ पर वो एक पंजाबी पॉप सिंगर है इसका नाम अर्जुन है लेकिन यहाँ पर सिंगर्स की दुनिया में उसे एजी ओजी बुलाता है ये बंदा अलग अलग, -अलग कॉन्ट्रोवर्सीज में फंसता रहता है अब आता है प्रीत पर जो है यहाँ पर अन्या सिंह इसको बचपन से ही अर्जुन पर क्रश होता है लेकिन ये तो बचपन की बात है मेरे दोस्त अडल्टुड में उसे कोई कम्पेटेबल पार्टनर भी नहीं मिलता है अगले कैरेक्टर की बात करें यहाँ पर तो उसका नाम है शीतल और उसे संवेदना सोअल का निभा रही है इसकी शादी हो चुकी है समीर से समीर का रोल यहाँ पर मल्हार ठक्कर निभा रहे हैं अगर आप लोगों को पता नहीं है कि मल्हार ठक्कर कौन है तो मैं आप लोगों को बता दूं कि वो गुजराती मूवीज के फेमस एक्टर है। अब शीतल और समीर की दोनों की प्रॉब्लम नहीं नहीं ज्वाइंट फैमिली प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर बल्कि वो लोग जहाँ पर रहते हैं टू बी के फ्लैट में वो प्रॉब्लम है इस फ्लैट की वजह से उनको अपनी पर्सनल स्पेस नहीं मिलती है मेलड्रॉन नाम का बंदा है यहाँ पर जिसे सायन बैनर्जी निभा रहे हैं और वो एक रिलेशनशिप में है यवर के साथ जो की बहुत प्रॉब्लमेटिक है आखिरी कैरेक्टर है यहाँ पर शाहिद जिसे हुसैन दलाल प्ले कर रहे हैं और वो यहाँ पर स्कूल टीचर के रोल में दिखे गए हैं जहां पर उनको फाइनेंशियली थोड़े प्रॉब्लम्स होती है अगर हम बात करें इन सात फ्रेंड्स की के केमिस्ट्री की और बॉन्डिंग की तो हम लोगों को एक बॉलीवुड मूवी याद आ जाएगी जिसका नाम है वीरे दी वेडिंग उस मूवी की तरह यहाँ पर भी हर फ्रेंड एक दूसरे को सपोर्ट करता है हर सिचुएशन में लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये लोग हर कैरेक्टर के थोड़े डेप्थ में जाते तो ऑडियंस शायद उनको कनेक्ट कर पाती यहाँ पर आप उन लोगों की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझ पाएंगे लेकिन आप उसका हिस्सा नहीं बन पाएंगे उनके चाइल्डहुड के प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से बताए गए हैं लेकिन एडल्टहुड में उनकी लाइफ और भी कॉम्प्लेक्स है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी है कैरेक्टर के एक्टिंग की बात करें तो यहाँ पर तमन्ना भाटे छा चुकी है अपने सेल्फ डिस्कवरी और शादी वाले मॉडर्न कॉन्सेप्ट से एक लड़की जो कि डेस्परेट है शादी के लिए उसकी एक्टिंग भी काफ़ी अच्छी की है आनिया सिंह ने बीच बीच में आनिया सिंह के यहाँ पर फनी मोमेंट्स भी है जिससे ऑडियंस बोर नहीं होगी सलीम का रोल जिसने ताज सीरीज में निभाया है वही आशिम गुलाटी यहाँ पर सिंगर के रोल में जबरदस्त दिख रहे हैं मल्हार ठक्कर और संवेदना सुहल का की यहाँ पर एक्टिंग एज अ कपल बहुत अच्छी है सयान बैनर्जी का कैरेक्टर भी यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से लिखा गया है सुहेल नायर और हुसैन दलाल ने भी काफी अच्छी एक्टिंग की है सचिन जिगर का यहाँ पर बैकग्राउंड म्यूजिक पूरी सीरीज में चार चांद लगा देता है ये सीरीज में सेक्स और वर्कल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है तो ध्यान से देखना बाकी ये सीरीज मेरे जैसे यंग जनता को ज्यादा पसंद आएगी ओवरऑल ये सीरीज बहुत अच्छी है और मैं इस सीरीज को पांच में से चार स्टार देना चाहूंगा तो क्या आप लोगों ने ये सीरीज देखी है या नहीं ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना तो चलो यार मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय